मेरी दो बेटियां हैं जी। एक बेटी मुझे एक दिन कहने लगी कि मैंने नमाज पढ़कर दुआ मांगी, अल्लाह ताला आपको भी नसीब हो सलीम साहब के पास जाने के लिए। बाद में अल्लाह ताला की फजल करम से आपका फरमान आ गया, आप लोगों ने वो सिलेक्ट किया, या तो खंजर मारे नत्सान शबा रोजे। मेरे जीने का सारा सामान। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम अलैकुम। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप यहाँ पर हमारे साथ इस भूमि 23 में शामिल हो। बिल्कुल। और ये कश्मीर से तो मुझे बहुत प्यार है, और कश्मीरी म्यूजिशंस, कश्मीरी आप मुझे बेटी के बराबर हैं। मैं आपको अक्सर तौर पर टीवी पर देखता हूँ। अच्छा जी, थैंक यू। तो बहुत खुशी हुई कि आपकी मुस्कान देखकर। इत्तेफाकन मेरा काम बहुत अच्छा चलता है वहाँ। हाँ जी, अल्लाह ताला की फजल करम से। हाय हाय, वहाँ के लोग बहुत मुझे चाहते हैं। हम भी आपको बहुत चाहते हैं। इंडिया के बाहर भी गया हूँ, इंडिया में तमाम स्टेटों में मैंने गाया है। मगर एक किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा कि जब आपने वो नाज़नीन यारमियानी ईच मुलाकात किया जी जी, वो सब उन्हें देखा वहाँ, बहुत माशाल्लाह वो बहुत पॉपुलर हुआ। मेरी दो बेटियाँ हैं जी। एक बेटी मुझे एक दिन कहने लगी कि डैडी मैंने नमाज पढ़कर दुआ मांगी, अल्लाह ताला आपको भी नसीब हो सलीम साहब के पास जाने के लिए। बाद में अल्लाह ताला की फजल करम से आपका फरमान आ गया, आप लोगों ने वो सिलेक्ट किया, या तो खंजर मारे नत्सान शबा रोज़े। और इंशाल्लाह उसकी मदद से आपसे मुलाकात हुई, इससे बढ़िया क्या चाहते। नहीं, हमारी ये तो हमारी खुशनसीबी है। जब मैंने आपका गाना सुना और मुझे लगा कि यार ये अगर ये गाना हमारे और ये कमाल के आर्टिस्ट हाफिज़ रशीद साहब अगर हमारे साथ जुड़ जाए तो इस प्रोजेक्ट की शान बढ़ जाएगी। वैसे ही कश्मीरी म्यूज़िक से हमें बहुत ज़्यादा प्यार है। शुक्रिया। कश्मीर से हमें बहुत ज़्यादा प्यार है। जब हमने सोचा कि हम म्यूज़िक इसमें इस प्रोजेक्ट में, जब मिथुन ने मुझे गाना भेजा था जो इस गाने के कंपोज़र है, तो ये बात एक्चुअली मिथुन ने मुझे कही कि सलीम मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ एक कश्मीरी फ्लेवर हो जाए तो कमाल हो जाए। तो रिदम भी उस तरह का है, रबाब है उस साउंड में। तो मैंने इमिजिएटली राज, जो बिल्कुल बिल्कुल वो तो जो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है हमारे साथ में, बहुत सालों से जुड़ा हुआ, मैंने उससे बोला। और राज की मम्मी नीरजा जी वो तो मेरी छोटी बहन। वाह वाह, नीरजा पंडित जी ने हमें नाज़नीन की भी कल्पना उन्होंने ही दी थी, आइडिया उन्होंने ही दिया था कि आप नाज़नीन ये गाना करिए। और नीरजा जी ने जो गाना भेजा वो सेम आपका ही गाना। बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने ही पहले गाया है रेडियो में। हाँ जी, 1979 में मैंने गाया है। वाह, आज से 45 साल पहले ये गाया। और आप, मैं चाहता हूँ आप इस ये जो लाइनें हैं इसका मतलब क्या है, अगर आप मुझे बताए तो बहुत। या तो ले खंजर मारे, हाँ जी, या वो खंजर उठाकर मुझे मारेगा जी, नत्सान शबा रो, या एक रात को रह मेरे पास रहेगा। हाय हाय, माशोक क्या कोई की नहीं, ए मेरे माशोक, ए मेरे यार, तुझे क्या मलाल, रोशन मेरी तरफ रूठ गए, मेरा मलाला क्या हो गया आपको, माशोक क्या हुई, आतश में बुरतम सीना, आपने मुझे आग से, आग में आग का सीना मुझे भर दिया, मेरे सीने में आग भर दी, आशिक शुक कमतान दिए ने, मैं तो उसी दिन का मारू न रवाज, मैं तो आपका आशिक हूँ, मैं उसी दिन का हूँ, मुझ पर मुझे मारना मत। वाह वाह वाह, मैंने जितना कश्मीरी पोइट्री से सीखा है, मैंने ये देखा है कि असल में जो सूफियानापन है ना वो कश्मीर में ही है। बिल्कुल है। और मैं जितना मैं सुना हूँ कश्मीरी लोगों से, सूफियाना एक ख्याल है, एक सोच है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सोच कश्मीर में सबसे ज़्यादा है लोगों में, जो वो सोच है जो उनकी पोइट्री में है, जो उनकी मौसिकी में है, जो उनकी सोच में है, उनके उनके मिलने जुलने में, उनके चेहरे पे वो सूफियाना पन है। देखो ये वहाँ तो ऐसी चलता है, ये हर एक आदमी एक साल में एक बार दो बार अपने घर में कॉन्सर्ट मनाता है। हाँ जी,
वहाँ वाजवान बनाते वाजवान, हैं वाजवान। हाँ, एक 200 लोग आते हैं, वो उनके लिए दावत रखता है रात भर। शाम रात 11:30 बजे स्टार्ट होता है, सुबह 6 बजे तक सब जागते रहते हैं नीचे बैठे हुए। उन्हीं महफिलों से हमारा गुजारा चलता है। क्या बात है। नहीं, आप मेरी तो दुआ है कि हम कश्मीरी म्यूजिक को और ज्यादा बढ़ावा दें, और इंडिया में तो लोगों को कश्मीरी म्यूजिक की बहुत कदर है, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में ये म्यूजिक, ये संगीत फैले और ज्यादा गूंजे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन आमीन। और आप हमेशा अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद जरूर हमारे साथ रखे। और वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूमि में शामिल हुए इससे। और मैं आपकी बेटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने दुआ मांगी के नाज़रीन सुन करके, और आपकी पूरी फैमिली को मेरा सलाम। और एक छोटा सा तोहफा है, ये जो प्रोडक्ट्स है ये मोहा कंपनी के प्रोडक्ट्स है। एक चीज़ है जो मैं यूज़ करता हूँ, इट्स कॉल्ड कोफोल, इट्स फ्रॉम चरक फार्मा। ये जो है वो नेचुरल, जितने भी क्योंकि प्रोजेक्ट का नाम ही भूमि है, विच मीन्स अर्थ, जो अपने अपने इस धरती से जुड़ी हुई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से ही बना है,